हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मी दक्षराज चौहान एंड यू आर वाचिंग यू के 16 से तक्षु। तो गाइस, आज हमारे साथ हो चुका है 10,000 रुपये का स्कैम। मजाक लग रहा है क्या? मजाक नहीं है भाई, 10,000 रुपये का सच में स्कैम हो गया आज। और मेरे साथ नहीं हुआ, ये हमारा लक्की है बेचारा भाई, इसके साथ स्कैम हो चुका है 10,000 रुपये का। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प हिम। तो गाइस, स्कैम कुछ ऐसा हो गया है, स्कैम करा है इन्होंने। किसने किया है रुको दिखाते हैं आपको। ये जान सकते हो, ये बंदे कौन है? ये है फैम पे में भाई ने पैसे डलवाए। हम बिजनेस करते हैं कुछ, तो पेमेंट्स आती रहती है, जाती रहती है। तो बेचारा अभी 18 का नहीं है, तो ऑनलाइन ऐड देखा इसने भी बना दिया फैम पे का अकाउंट। के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया अकाउंट है ये, तो इसने भी सोचा क्यों, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में सब जमाना है, UPI का जमाना है, तो गूगल पे वगैरह तो ये यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो चाहिए अकाउंट। तो इसने बनाया अकाउंट फैम पे में। अब फैम पे के मजे वाली सुन दो, फैम पे ने क्या करा, 10-20 रुपए तो चलो इसकी पेमेंट हो रही है, जितनी भी हो रही है, इसने 1,000-2,000 तक भी हो रही है। इसने क्या करा, परसों इसने बेचारे ने कहीं से पैसे आ रहे होंगे, इसके कुछ काम अपना, इसका पर्सनल काम होगा, इसने किसी से 10,000 रुपये मंगवाए। वो 10,000 रुपये वहां से तो कट गए उनके अकाउंट से। रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट फोटो दिखाता हूँ। वो 10,000 रुपये वहां से कट गए, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। कहाँ गया एक मिनट, रुक जाइएगा। वहां से गाइस 10,000 रुपये आए और यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे, जिसके हमारे पास सारे प्रूफ है। ये देखिए गाइस, ये 10,000 रुपये गूगल पे रखे है। हम आपको बायर सेंडर की वो तो नहीं भेज सकते, लेकिन ये देखो टू दक्ष चौहान, और इसकी फैम पे आईडी है ये, नीचे देखो लिखी हुई है। और गूगल और देखिए आप, ये इसकी वो है, क्या बोलते हैं, UPI आईडी जी। हाँ तो गाइस सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था बीच में, इस वजह से। तो हुआ क्या, फिर मैंने आपको कहानी तो बताई दी, इसको 10,000 रुपये आए और वो फैम पे में अटक गए। अब हम कांटेक्ट कर रहे हैं इतने दिनों से उनको, तीन दिन से फैम पे वालों का नंबर ही लगता है। नंबर तो खैर है ही नहीं इनका, हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है कहीं पे इनके। जो गूगल में हेल्पलाइन नंबर है उसमें अगर हम कॉल करेंगे तो उसको नंबर ही गलत बता रहे हैं। फिर हमने यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट में गए, फिर हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस में, रिसिप्ट में, और यहाँ डाला कि मनी वॉज डिडक्टेड। तो हमने यहाँ से चैट भी 10 करी। अब चैट भी देखोगे आप, इतनी चैट देखो, प्लीज़ कॉल प्लीज, फिर भी पहले तो इनका कोई कस्टमर केयर का वो ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलते हैं, कोई हमसे बात करने वाला। बड़े मुश्किल से आ रहा है, ये देखो फिर से कॉल आ गया, फिर बड़े मुश्किल से हुआ जो होना था। अब देखो ये तो, ओवरऑल बात ये है कि अभी इनका लास्ट जो मैसेज है, अभी हमने फिर से ट्राई किया है, तो अभी इन्होंने डाला है कि सॉरी फॉर द ट्रबल कॉज्ड सिंस द अमाउंट इज डेबिटेड अलाना फलाना, कि हम अभी अपनी टीम को ये भेज रहे हैं और शाम तक इसका कुछ करते हैं। तो मतलब हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप भी स्कैम नहीं होने चाहिए। अगर आप एक फैम पे यूज़र है तो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट इसमें ना यूज़ करें। अगर आपको ट्रांसफ़र करना ही है तो 1,000-2,000 से ज़्यादा मत करना, क्योंकि इनके अलग ही चोंचले है कुछ, और ना तुम्हारे पास कोई, चलो अगर मान के चलो इनकी लिमिट्स भी कम है, लिमिट्स अगर 1,000-2,000 की, किससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो एक नोटिफिकेशन तो आना चाहिए कि, या फिर उस जो जो बैंक वाला डाल रहा है पैसे उसको तो बोलना चाहिए कि नहीं जा सकते इसके अकाउंट में, या फिर जब तुम्हारे अकाउंट में भी नहीं आते, एक नोटिफिकेशन तो आ जाए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है लेकिन हम आपके उसमें कर नहीं सकते क्योंकि आपका अकाउंट छोटा है, लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब इनका देखते हैं क्या होता है, क्या इनका आज जवाब आएगा या नहीं आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा, पर अब फिलहाल इंतज़ार करते हैं। बट आपको यही बताना था कि फैम पे में अगर आपका भी अकाउंट है, तो वैसे तो अब मैं, मुझे लगता है कि बैंक में भी अकाउंट खुल ही जाते हैं अपने पापा मम्मी के साथ, अगर आप छोटे हो तो बैंक में अकाउंट खोलिए, आराम से बढ़िया करिए और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और अगर आप अकाउंट ये फैम पे चला रहे हैं तो प्लीज़ इसको बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ ना करें। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो गाइस, इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले की बात है, मैं फैम पे यूज़ कर रहा था, मैंने 50 रुपये की ट्रांजेक्शन करी एक शॉप पे और वो हुई नहीं, सर्वर डाउन था और मैंने ऐप अपडेट कर दिया तो वो अभी तक वो हुई नहीं। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आपका सर्वर डाउन है, कभी भी ऐप को अपडेट मत करना। अगर आप ऐप अपडेट करोगे वो ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं होगी, वो अभी भी मेरे पास प्रोसेसिंग में ही है। तो गाइस, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हमारे पैसे तो रिफंड हो गए हैं बैक टू उस अकाउंट में, उसमें भी यही लिख के आ रहा था कि लिमिटेशंस की वजह से हमारे अकाउंट में ऐड नहीं हो पाए, बट हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी को ज़रूरत हो, जल्दी हो,
भयंकर 10 दिन तो 3 दिन तो इन्होंने यही देखने में कॉन्टेक्ट करने में लगा दिए। कोई अगर बच्चा यूज कर रहा हो तो ऐसे ही डर जाएगा, कोई जिसकी को इतना टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। जबकि इनकी पॉलिसी सिर्फ 48 घंटे की है, ये कहते हैं 48 घंटे में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे या तो अकाउंट में आ जाएंगे। रिफंड हो जाए कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास मैसेज तो आए, कुछ तो आए कि ये तुम्हारा हो रहा है। हम तो परेशान थे परसों से, देखो इतने अमीर तो हम भी नहीं है कि अगर 10,000 रुपए ऐसे ही छोड़ दें। हम लोगों ने भी कहीं से सोर्स से बड़े मुश्किल से 10,000 रुपए कहीं से ला रहे, तो हमारे लिए छोटा अमाउंट नहीं है 10,000। तो अगर आप फैम पे यूज करते हो तो प्लीज केयरफुली यूज किए, हमारे जैसा स्कैम नहीं तो आपके जैसे तरह हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब आवर वीडियोज।